दोस्तों आज हम एक ऐसे चूर्ण के बारे में, एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बात करने वाले हैं जो इजीली अवेलेबल होता है। आप उसे अपने घर में भी आराम से बना सकते हैं। हर प्रकृति, यानी वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, हर प्रकृति का इंसान उसे इजीली ले सकता है। वो बहुत सस्ता है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है। आप उसे आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं और उसको आप घर पे भी ले सकते हैं। ये एक ऐसा उत्कृष्ट रसायन है जिसको आयुर्वेद की एक बेहतरीन औषधियों में से एक माना जाता है। आप उसे वजन बढ़ाने के लिए या वजन घटाने के लिए, दोनों चीजों के लिए ले सकते हैं। ये एक बेस्ट टॉनिक है, मतलब उसको एक उत्कृष्ट रसायन यानी कि बेस्ट आयुर्वेदिक टॉनिक कहा जाता है। शरीर में से काफी सारे बीमारियों को वो बाहर दूर भगा देता है और हमारे शरीर को बिल्कुल हेल्दी रखने में हमें मदद करता है। हमारा स्पर्म काउंट यानी कि वीर्य को बढ़ाने में, स्पर्म काउंट को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। और शरीर में जिन लोगों को यूरिनरी प्रॉब्लम यानी यूरिन रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, वैसे रोगों में ये ठीक करने का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेद के एक उत्कृष्ट रसायन जिसका नाम है रसायन चूर्ण। आज इस वीडियो में मैं आपको रसायन चूर्ण के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। रसायन चूर्ण की हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों दोषों पे, हमारे शरीर की सातों धातुओं पे उसकी क्या असर होती है, रसायन चूर्ण के क्या फायदे हैं, शरीर में कौन कौन सी बीमारियों से लड़ने में रसायन चूर्ण हमें फायदा देता है, रसायन चूर्ण को हम किस तरीके से ले सकते हैं और उसकी कितनी मात्रा हमें लेनी है, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रिजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। दोस्तों तो हम बात कर रहे हैं रसायन चूर्ण के बारे में। रसायन चूर्ण जो है ये आयुर्वेद के अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान में रसायन विधि अध्याय में स्वदृष्टादि चूर्ण के नाम से रसायन चूर्ण का उल्लेख किया गया है। रसायन चूर्ण में तीन औषधियों का समावेश होता है, गोक्षुर, गिलोय और आंवला। उसमें से सबसे पहली औषधि है गोक्षुर और गोक्षुर को आयुर्वेद में स्वदृष्ट कहा जाता है, इसीलिए इस चूर्ण का नाम स्वदृष्टादि चूर्ण है। हमें रसायन चूर्ण को घर पे बनाने के लिए गोक्षुर, गिलोय और आंवला ये तीनों को समान मात्रा में लेना है, उसे मिक्स कर देना है और कांच की बोतल में उसको भर के रख देना है, तो आपका स्वदृष्टादि चूर्ण यानी कि रसायन चूर्ण तैयार हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, रसायन चूर्ण एक बहुत बढ़िया एंटी एजिंग मेडिसिन है, यानी कि आप अगर रसायन चूर्ण का रेगुलर सेवन करते हैं तो रसायन चूर्ण का सेवन करने की वजह से आप सदा जवान रह सकते हैं। ये एक एंटी एजिंग है जो आपके शरीर में से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालती है, जिसकी वजह से आदमी हमेशा यंग दिख सकता है और हमारे शरीर की तीनों धातुएं वात, पित्त और कफ ये तीनों को बैलेंस करने वाली एक अद्भुत औषधि है। हमारे शरीर की जो सातों धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सातों धातुओं की जो अग्नि है उसको ये बढ़ाता है। सातों धातुओं की जो अग्नि है उसे धात्वाग्नि कहा जाता है, ये धात्वाग्नि को बढ़ाता है और उसकी वजह से हमारे शरीर की जो अंतिम धातु जिसे हम ओज कहते हैं, अगर ओज कम हो जाए, ओज यानी हमारे शरीर की इम्यूनिटी, ओजक्षय विनश्यति यानी कि ओज के कम होने से शरीर का विनाश हो जाता है, तो ये ओज को बढ़ा के अल्टीमेटली हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। ये अद्भुत रसायन है और रसायन चूर्ण के बारे में आगे वाग्भट ऋषि ऐसा कहते हैं, चूर्ण श्रदंष्टम आम्लकम अमृताणाम लिहन ससर्पी मधुभाग मिश्रम वृषः स्थिरः शांत विकार दुखम समाशतम जीवति कृष्ण केशः। दोस्तों आयुर्वेद की ये एक ऐसी औषधि है जिसके बारे में आयुर्वेद के ऋषि वाग्भट ने रसायन चूर्ण के बारे में जो बेनिफिट्स बताए हैं वो इस प्रकार से है। अकॉर्डिंग टू वाग्भट ऋषि, वृषः स्थिरः यानी कि हमारे शरीर की जो सातों धातुएं हैं उसको बढ़ाने वाला, और स्थिरः यानी कि हमारे शरीर के शुक्र को बढ़ाने वाला, यानी जिन लोगों को सीमेन काउंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको स्पर्म रिलेटेड प्रॉब्लम है, शुक्र धातु से हमारा ओज भी बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। उसके बाद कहा है शांत विकार दुखम, यानी कि शरीर में जितने भी विकार होते हैं जिसकी वजह से दुख होता है यानी कि रोग होता है, उसको शांत करने में यानी कि हमें निरोगी रखने में रसायन चूर्ण का बहुत बड़ा रोल है।
उसके बाद रसायन चूर्ण में जो गोखरू है वो डायुरेटिक का काम करता है, यानी कि यूरिन के थ्रू हमारे शरीर की जितनी भी अशुद्धियां है, जितना भी बॉडी में टॉक्सिन्स है, जितना भी कचरा है, उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है। मतलब कि जिन लोगों को स्वेलिंग रहती है, जिनको एडिमा का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को हार्ट डिसीज है और उसकी वजह से हाथों पैरों में सूजन रहती है, फेस पे स्वेलिंग रहती है, जिनको हाइपरटेंशन रहता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन यानी कि यूरिन बराबर अच्छे से पास ना होना, धीमे धीमे टूट टूट के पास होना, जिनको बर्निंग मिक्चुएशन यानी कि बार बार यूरिन में जलन होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिन लोगों को बार बार हो जाता है, वैसे लोगों के लिए आयुर्वेद का ये रसायन चूर्ण बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और हमें उस डिसीज में से बाहर निकालने में हेल्प करता है। उसके अलावा आयुर्वेद का समाशतम जीवति, उसके बाद कहा गया है समाशतम जीवति, यानी कि जो लोग रसायन चूर्ण का रेगुलर सेवन करते हैं वो 100 साल तक जी सकते हैं, यानी कि 100 वर्ष की आयु अगर आपको प्राप्त करनी है तो रसायन चूर्ण का हमें रेगुलर सेवन करना चाहिए। दूसरा गोखरू के बाद आंवला है, रसायन चूर्ण में आंवले को एंटी एजिंग माना जाता है, वयस्थापन यानी कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आंवले में है। और उसके बाद एंटी एजिंग के अलावा तीसरी जो औषधि रसायन चूर्ण में है वो है गिलोय। गिलोय को आयुर्वेद में संजीवनी कहा जाता है, गिलोय को अमृता भी कहा जाता है, और इटसेल्फ इट इज अ रसायन औषधि। सो ये तीनों औषधि रसायन चूर्ण में है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रसायन चूर्ण। और ये हमारे शरीर की तीनों धातुएं वायु, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करता है, हमारे शरीर में नेचुरल जो गुड कफ है उसको बढ़ाता है। सारे प्रकृति के लोग इसको ले सकते हैं। और अंत में ऐसा कहा है वाग्भट ऋषि ने, कृष्ण केशव, यानी कि जो लोग रसायन चूर्ण का रेगुलर सेवन करते हैं वो लोग जो है उनके बाल हमेशा काले रहते हैं, सफेद बाल नहीं होते हैं, हमेशा जवान दिखते हैं। रसायन सेवन की, अब रसायन चूर्ण को लेने की विधि क्या है वो देख लेते हैं। चूर्णम स्वदृष्टानाम आमलकम अमृतानाम लिहन ससर्पी मधुभाग मिश्रम, यानी कि रसायन चूर्ण को अगर आपको एज ए रसायन के स्वरूप में सेवन करना है, यानी कि रीजेनरेटेड मेडिसिन के स्वरूप में अगर इसका सेवन करना है, तो 3 से 5 ग्राम रसायन चूर्ण हमें लेना है। उसके साथ हमें आधी चम्मच शहद और 1 चम्मच घी मिक्स करना है। अगर आपकी कफ प्रकृति है तो आपको 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच घी मिक्स करना है। अगर आपकी वायु पित्त प्रकृति है तो घी मरा देना है और शहद को कम कर देना है। शहद और घी दोनों को हम समान मात्रा में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर समान मात्रा में दोनों को लिया तो वह टॉक्सिक हो जाएगा, इसीलिए वो नुकसान करेगा। इसीलिए हमें जब रसायन चूर्ण में शहद और घी को हम मिक्स करेंगे तो दोनों को असमान मात्रा में, यानी कि अगर हमने घी 1 चम्मच लिया है तो शहद आधी चम्मच, और शहद अगर 1 चम्मच लिया है तो घी को आधी चम्मच लेके उसको मिक्स करके हमें उसका सुबह खाली पेट उसका सेवन करना है। सुबह खाली पेट उसका सेवन करने के बाद याद रखें कि 2 घंटे तक हमें कुछ भी नहीं खाना है, ताकि वो पूरा डाइजेस्ट हो जाए और उसके जो पूरे गुण है वो हमारे शरीर को मिले। अच्छा, रसायन चूर्ण का अगर आपको पूरा फायदा, तो मिनिमम उसे 3 महीने तक लगातार लें। और अगर आप रसायन चूर्ण को सुबह खाली पेट रसायन के स्वरूप में नहीं लेना चाहते, सिर्फ आप हेल्दी रहने के लिए लेना चाहते हैं, तो सुबह शाम खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको आज यहां पे बताया रसायन चूर्ण के बारे में, रसायन चूर्ण क्या होता है, उसे कैसे लेना चाहिए और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उम्मीद रखता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। संजीवनी आयुर्वेद हॉस्पिटल का वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको रोग मुक्त करने के लिए तैयार है। अरे देर किस बात की, जब हम होंगे साथ तो रहिए बेफिकर आप। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। कॉल नाउ 7575098494 या 9879428494। 116-117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।